नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आर्मी जीडी का हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर राम सिंह यादव बुक जो है उसका 32 प्रैक्टिस सेट हो जाता है। इससे पहले कि मैंने 31 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आराम से वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहली बात बता दूँ, 32 ये हमारा प्रैक्टिस सेट हो जाता है, 100 मार्क्स का होता है, एक घंटे का आपको समय होता है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चार भागों में आपका डिवाइड होता है। पहले की बात करता हूँ, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइंस का होता है, ठीक है, दूसरा भाग साइंस का होता है, 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ से, 5 क्वेश्चन के होते हैं रीजनिंग से देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक प्रकार से मॉडल पेपर इस प्रकार से आपका तैयार होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं इस मॉडल पेपर की ओर, जो राम सिंह यादव बुक का बिल्कुल ओरिजिनल हो जाता है। ठीक है, आपके सामने दिख ही रहा है। तो भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट भाग वन के लिए, ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार डेस्क के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो किसके क्षेत्र में दिया जाता है यह आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, बिल्कुल। पहली बात, ऑस्कर पुरस्कार की स्टार्ट कभी थी, तो ऑस्कर पुरस्कार स्टार्ट हुए थे आपके 1929 में। कब हुए थे? 1929 में ऑस्कर पुरस्कार स्टार्ट हुए थे। और वर्तमान में 2020 का कैसे मिला है ऑस्कर पुरस्कार? वो मिला है ऋतिक रोशन को। किसे मिला है? ऋतिक रोशन को मिला है। ठीक है, याद रखना, ऋतिक रोशन को ये आपका 2020 का जो ऑस्कर पुरस्कार है वो किसे मिला है? ऋतिक रोशन को मिला है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ऑस्कर पुरस्कार किस में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, और 1929 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। यहाँ दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है, आराम से इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल ये आपके वित्त मंत्री थे, और चिदंबरम ये भी आपके वित्त मंत्री थे, और सिन्हा जी ये भी वित्त मंत्री रहे हैं। मगर बात करें डी, ये श्री कमलनाथ जो हो जाते हैं वो आपके प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिएगा। कह रहा है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो मैंने दो आपको बता रखे हैं, एक तो इंडिया गेट है और कौन सा है? गेटवे ऑफ इंडिया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। मगर जो इंडिया गेट है वो आपके कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। यहाँ देखा है, एक खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो जो खिलाड़ी जीव हैं, ठीक है, मिल्खा सिंह आप जानते हो, ठीक है, बहुत बड़े अच्छे धावक हैं। तो बता रखा है इनका जो संबंध है वो किससे हो जाता है? ठीक है, तो ये किससे संबंध है? ये गोल्फ से संबंध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। डैश भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है, कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है यह आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर आंसर कौन सा आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है? मलयालम, तेलुगु, गुजराती या फिर तमिल? तो आपको बिल्कुल इजीली पता होगी यहाँ पर क्या बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। ठीक है, केरल जो राज्य है हमारा, वहाँ पर कौन सी बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन डैश में किया जाएगा। 2024 का जो ओलंपिक खेल होगा वो कहाँ किया जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है? अगर 2024 की बात करें, क्योंकि चार साल के अंतर से ये होते हैं, तो 2020 में हुआ होगा एक, है ना, कब हुआ होगा? 2020 में। 2020 में कहाँ हुआ होगा ये आपको बताना है। तो ये कहाँ होना था? ये आपके चीन के, कहाँ पर? चीन के बीजिंग में होने वाला था। कहाँ पर? चीन के बीजिंग में होने वाला था। सॉरी, ये आपका होने वाला था जापान में। कहाँ पर? जापान में होने वाला था, जापान के टोक्यो में, है ना, जापान के टोक्यो में 2020 का जो ओलंपिक होने वाला था वो होने वाला था, मगर इसका पोस्टपोन कर दिया है 2021 में, है ना। इसका पोस्टपोन कब कर दिया? इसे इस कार से पोस्टपोन कर दिया 2021 में। ये 2020 का कब होगा? 2021 में होगा। कहाँ होगा? टोक्यो जापान में होगा 2021 में। ठीक है, ये याद रखना है। अब जो 2020 का था कोरोना की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया 2021 में, होगा कहाँ? टोक्यो जापान में होगा। मगर पूछ रखा है 2024 का कहाँ होगा, तो ये आपके हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में। कहाँ होगा? फ्रांस के पेरिस में हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है भाई, एक बात करें, जो ओलंपिक गेम जो होता है, ओलंपिक गेम में कितने रिंग होते हैं? बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, दो कहाँ होते हैं? तीन तो होते हैं ऊपर, और दो कहाँ होते हैं? इस प्रकार से नीचे होते हैं।
पांच रिंग होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो सबसे ज्यादा उच्चतम जो साक्षरता दर है वो किस राज्य की है, मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो किस राज्य के हो जाते हैं, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो सबको पता है कहाँ के हैं, केरल के हैं, और सबसे ज़्यादा विदेशी भी कहाँ के हैं, केरल के ही हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ के पढ़े लिखे हैं, साक्षरता ज़्यादा है, तो ज़्यादातर विदेशी यहीं से जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कोरोना फैला था वो किस राज्य में फैला था, वो भी केरल में ही फैला था। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो आपको पता है कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और इसमें भारत के राष्ट्रपति कौन है, वो हो जाते हैं कोविंद जी। कौन हो जाते हैं, कोविंद जी हो जाते हैं, ये भी याद होना चाहिए। कौन से नंबर वाइज हैं, तो ये 14वें नंबर के आपके रामनाथ कोविंद जी हो जाते हैं। ठीक है, कौन से नंबर के, 14वें नंबर के। अब प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति आपके हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाते हैं, ये आपके राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं प्रथम। और प्रथम महिला की अगर पूछ ले कि प्रथम महिला जो हो जाती है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो हो जाती हैं प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, कौन हो जाती हैं, प्रतिभा पाटिल जी हो जाते हैं। कौन सी नंबर वाइज थी, ये 12वें नंबर की आपकी महिला हो जाती हैं। ठीक है, 12वें नंबर की। और 2020 में जिन आपके राष्ट्रपति की डेथ हुई है वो कौन हो जाते हैं, 13वें नंबर के थे। ठीक है, कौन थे, प्रवण मुखर्जी। ठीक है, 2020 में इनकी डेथ हो गई है, प्रबण मुखर्जी की। तो ये भी क्या है, आपके लिए याद होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे बता दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वर्तमान में कौन है, कोविंद जी हैं, रामनाथ कोविंद। कौन से नंबर वाइज हैं, 14वें नंबर के आपके हो जाते हैं। ठीक है, अगर सेना की हम बात कर लें तो थल सेना के आपके कौन है, थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाते हैं, आपके हैं नरवणे जी। कौन है, नरवणे जी, वर्तमान में बात कर रहा हूँ इस समय। ठीक है, नरवणे जी। और जल सेना की बात करें या नौसेना कह सकते हैं, ठीक है, नौसेना की बात करें तो कौन हो जाएंगे, ये आपके हैं करमवीर सिंह। ठीक है, कौन है, करमवीर सिंह आपके हो जाते हैं। ठीक है, ये करमवीर सिंह हैं। और बात करते हैं सो आपके वायुसेना के हैं, वायुसेना के कौन हैं, वायुसेना की बात करते हैं तो वो आपके हो जाते हैं धनुआ जी। ठीक है, कौन हो जाते हैं, वो आपके धनुआ जी हो जाते हैं। और बात करते हैं जो हमारे CDS हैं, ठीक है, CDS कौन है, बिपिन रावत जी हो जाते हैं। कौन, बिपिन रावत। ठीक है, सारे के सारे याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बिपिन रावत जी हो जाते हैं वर्तमान में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, 2020 की बात करता हूँ वर्तमान में जो इस समय है। ठीक है, देखो थलसेना की बात करते हैं, सॉरी 2021 आ गई ना, है ना, 2021 में जो वर्तमान में इस समय है, थलसेना के आपके हो जाते हैं नरवणे जी, और नौसेना के मतलब जलसेना के हो जाते हैं आपके करमवीर सिंह, और वायुसेना के हैं धनुआ जी, और CDS के आपके हो जाते हैं बिपिन रावत जी। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी, 14वें नंबर के आपके हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताना है कौन थे। ठीक है, बिल्कुल अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यह आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल, अगर महिला की बात करते हैं तो वह कौन थी, कल्पना चावला हो जाती हैं, जो 2003 में गई थी, है ना, 2003 में इनकी डेथ भी हो गई थी आते समय। तो 2003 में जो महिला की बात करते हैं, प्रथम महिला कौन है, तो वो आपकी हो जाती हैं कल्पना चावला जी। मगर यहाँ पूछ रखा है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताना है कौन हो जाते हैं, तो वह आपके हो जाते हैं राकेश शर्मा जी। कौन, राकेश शर्मा जी। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो कह रहा है भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है, जो भारत के गृह मंत्री हैं उनका नाम क्या है, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, बिल्कुल बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं भारत के गृह मंत्री, है ना, भारत के गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना, प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो वह आपके हो जाते हैं पटेल जी। कौन हो जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं वर्तमान में पूछ लूँ 2021 में कौन है, ठीक है, तो वह आपके हो जाते हैं अमित शाह जी। कौन हो जाते हैं, अमित शाह जी हो जाते हैं आपके गृह मंत्री। ठीक है, तो आपको पता ही है ये तो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में कौन है, वर्तमान में आपके जो गृह मंत्री हो जाते हैं वो हो जाते हैं अमित शाह जी। ठीक है, आगे, और पहले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, कह रहे अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है, जो अमरकंटक नदी है उस अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, बताइएगा। बिल्कुल, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर बात करता हूँ अमरकंटक से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, एक तो आपकी हो जाती है सोन नदी, एक हो जाती है आपकी नर्मदा नदी, और एक होती है तुम्हारी जोहिला। ठीक है, कौन सी होती है, कौन सी, जोहिला ही, ठीक है, जोहिला ही है,
ठीक है, जोहिला ही होगी यहाँ पर, जोहिला होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, अगर आप डी के जाओगे तब भी आपका राइट आंसर होगा, अगर ए लगाओगे तब भी आपका राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए या फिर डी आ रहा है या फिर जोहिली आप लिख कर दे रहे हो, तो उन लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी होगा, ऑप्शन नंबर डी भी होगा। यहाँ पर कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आप कहाँ जाओगे, आप सबसे बात करें कहाँ जाओगे, ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका यही हो जाता है। अगर इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, अगर इसमें से कोई भी आप लगाते हो तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, एफएम दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह उद्यान कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है ये आपसे पूछ रखा है, तो वह आपका कौन सा हो जाता है, बिल्कुल आपका हो जाता है लोथल। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं, जो दीपा कर्माकर हैं वह किस खेल से संबंधित हैं आपसे बता रखा है, ठीक है। बहुत बार आपको मैंने बता रखा है कि दीपा कर्माकर कहाँ से हैं और किस खेल से संबंध आपकी हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर, जिम्नास्टिक से संबंधित हो जाती हैं, और ये कहाँ की रहने वाली हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, ये आपके त्रिपुरा की रहने वाली हैं, ठीक है। कहाँ की रहने वाली हो जाती हैं, ये आपके त्रिपुरा की रहने वाली हो जाती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ दे रखा है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो नींव रखी गई थी वो 1906 में रखी गई थी। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहाँ स्थित है ये आपसे पूछ रखा है, तो कहाँ पर हो जाता है, ये कलकत्ता में स्थित हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके हो जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है ये आपको बताना है, ठीक है। अगर मैं कॉफ़ी की बात कर दूँ यहीं पर कि भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो आपके होता है कर्नाटक में। कहाँ होता है, तो वह आपके होता है कर्नाटक में, मगर पूछ रखा है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है, तो वह आपका कहाँ हो जाएगा। सभी लोगों को आंसर देना है यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, तो वो आपका कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा, है ना। असम में मसाले भी ज़्यादा होते हैं और चाय का उत्पादन भी कहाँ होता है, असम में होता है। मगर कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी कहाँ होती है, कर्नाटक में होती है, ठीक है। दोनों के दोनों याद रखना है, क्या पता कहाँ से एग्जाम में पूछ ले। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। अब यहाँ से आपको हो जाता है साइंस का टॉपिक, ठीक है। साइंस का जो 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इनको देख लेते हैं फटाफट, और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि हमारा स्कोर इतना रहा है, ठीक है। बात करते हैं 32 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, आपसे पूछ रखा है, ठीक है। 32 डिग्री फॉरेनहाइट को हम जब डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है, सभी लोगों को आंसर देना है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट। देखो, अगर हम बात करते हैं फॉरेनहाइट में, अगर कोई भी पैमाना फॉरेनहाइट में होता है, अगर 32 डिग्री पे दिखा रहा है, ठीक है, अगर 32 डिग्री दिखा रहा है तो डिग्री सेल्सियस में वो क्या दिखाएगा, 0 डिग्री दिखाएगा, कितना, 0 डिग्री दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32 डिग्री 0 डिग्री के समांतर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिए, डैश हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है, तो मानव के टांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है ये यहां पर पूछ रखा है। तो सभी लोग यहां पर आंसर देते हुए, बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। फीमर कहां होती है, जांग में पाई जाती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी भी आपकी हो जाती है शरीर की, और सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टेपिस होती है, जो कान में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा कि पत्तियां डैश के कारण हरी होती हैं, जो पत्तियां होती हैं वो किसके कारण हरी होती हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ये मैग्नीशियम भी होता है, ठीक है, इसमें पत्तियों में। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम का ऑप्शन करती हैं इस प्रकार से, ठीक है, और कमेंडिक साइड छोड़ती हैं। ये क्या होते हैं बताइएगा, कि तो पत्तियाँ डैश के कारण हरी भरी होती हैं, तो इसमें क्या होते हैं, हरित लवक होते हैं। क्या होते हैं, हरित लवक होते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होता है। जो जाइलम दे रखा है, जाइलम में क्या होता है, पौधे के लिए जल जो होता है, जो ग्रहण करता है, वो किसके द्वारा करता है, जाइलम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो कंद मूल जो होते हैं, अपने मूल जो होते हैं ना, हड्डियों के, सॉरी,
जो पेड़ के जो मूल होते हैं, ठीक है, मतलब जो कमज़ोर जड़ें होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो जाइलम के द्वारा ही क्या खींचा जाता है, आपका एक प्रकार से जल को ग्रहण किया जाता है, ठीक है, और जो आपका फ्लोएम होता है उसके द्वारा क्या होते हैं, पोषक पदार्थ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। हरित लवक के कारण जो होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी हरी होती हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, अक्षय मतलब कभी क्षय ना हो, ऊर्जा जिसके अंतर्गत क्षय ना हो वो मैं आपको बताना है, ठीक है। निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। सभी लोग यहां पर आंसर देते हुए, अगर कोयले की बात करते हैं तो यहाँ पर ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है, हरण होता है ना, एक प्रकार से मतलब कोयले में से क्या होती है, ऊर्जा निकल जाती है, कोयला क्या होता है, समाप्त हो जाता है, तो ये भी आपका क्षय हो जाता है। अगर पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोल डालते हो, उड़ा देते हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, आपका पेट्रोल क्षय हो जाता है और ऊर्जा भी क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। मगर हवा की बात करें, हवा में अक्षय ऊर्जा होती है, ठीक है, हवा में क्या होती है, अक्षय ऊर्जा होती है, जो कभी क्षय नहीं होती, ठीक है। और प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होती है, क्षय होती है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रखा है मछलियाँ डैश के द्वारा श्वसन करती हैं, मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन करती हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछ रखा है, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, गलफड़े या फिर गिल्स, गिल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 21, ठीक है, यहाँ पर रखा है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक जो सूत्र होता है वह आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट। अगर कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा ये तो खत्म, ठीक है, ये पूछ रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोजन तो 100% होगी, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है, थोड़ी समस्या हो रही है, शोर हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं उसके लिए। अगले देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, यहाँ देखा है चंद्रमा पर एक व्यक्ति के बाहर पर क्या असर होगा। अगर कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर है तो उसके बाहर में क्या असर होगा, ये आपको बताना है, बढ़ेगा, घटेगा, बही रहेगा या फिर इनमें से नहीं, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बता रखा है जो भार होता है वो जब चंद्रमा पर कोई जाता है तो भारहीन हो जाता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, उसका घटता है, भार क्या होता है, घटता है, मगर जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर रहता है, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जो हमारा द्रव्यमान होता है वो तो सीमित रहता है, ठीक है, मगर जो हमारा भार होता है वो घट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। लोहे का रासायनिक नाम है, तो लोहे का रासायनिक नाम कौन सा हो जाता है आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, एफ ई क्या होता है, लोहा होता है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, टीन भी से कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 24 देखा है, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडल दाब क्या होता है, ये आपको बता रखा है, ठीक है। समुद्र की सतह पर वायुमंडल दाब सर्वाधिक होता है, मगर समुद्र सतह से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल दाब में क्या होती है, कमी होती है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको पता है समुद्र क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर क्या है, ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये आपका क्या है, समुद्र है। जब समुद्र के ऊपर जाओगे तो वायुमंडल घटेगा, और धरती के अंदर जाओगे, समुद्र के अंदर जाओगे तो वायुमंडल घटेगा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो कहाँ होता है, वायुमंडल जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो होता है आपके ध्रुवों पर, कहाँ होता है भाई, पृथ्वी की सतह मतलब पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, जब ऊपर जाएंगे तो क्या करेगा, कम हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखा है, डैश विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक कौन है, ये आपसे पूछ रखा है, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कांच तो होगा नहीं, कागज़ भी नहीं होगा, रबड़ भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, तांबा, क्योंकि तांबे के जो वायर होती है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। 26 का देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या होता है। जब धातु को गर्म किया जाता है तो धातु के घनत्व में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है जो उसके कण होते हैं, ठीक है, जो उसके अणु होते हैं,
जब उसके अणु होते हैं, जब ठंडा होता है तो अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, आपको पता है ठीक है, क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जब इसे गर्म किया जाता है तो लोहे का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब जो उसके अणु होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। इसका मतलब जो घनत्व उसका होता है वो क्या होता है, घट जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी क्वेश्चन आपका हो जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा रहने वाला है। यहाँ देखा है कि रबर की उत्पत्ति डैश से होती है, रबर की उत्पत्ति किससे होती है ये आपसे पूछ रखा है, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए बिल्कुल बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। पूछ रखा है रबर किससे उत्पत्ति होती है, ठीक है, रबर की उत्पत्ति किससे होती है। तो आपको पता है जो रबर जो होती है वो लेटेक्स नामक वृक्ष होता है, उससे इसे प्राप्त किया जाता है। तो भाई होता क्या है, एक पेड़ होता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बहुत ही अच्छा आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिएगा। कंपास की सुई सदैव डैश दिशा की ओर दर्शाती है, जो कंपास की सुई होती है वो किस दिशा की ओर दर्शाती है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सभी लोगों को पता ही होगी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे देखिएगा 29 देखा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। पेनिसिलिन है क्या, पेनिसिलिन जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, ये कवक से बनाई जाती है। किससे, कवक से बनाई जाती है, ठीक है। और बात करें ये किस, ये है क्या पेनिसिलिन, ये एक आपको हो जाती है एंटीबायोटिक दवा हो जाती है, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या हो जाती है, दवा हो जाती है पेनिसिलिन, जो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, कवक के द्वारा एक प्रकार से प्राप्त की जाती है। देखा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो वो आपके हो जाते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन आते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 30 की ओर, देखा है तुम्हारा वॉक्साइट किस धातु का आवश्यक है। तो वॉक्साइट जो है वो किस धातु का आवश्यक है आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर आपका वी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो वॉक्साइट किसका आवश्यक हो जाता है, एल्यूमिनियम का आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ से आपका जो थर्ड भाग होता है वो स्टार्ट होता है मैथ का। आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन, देख लेते हैं फटाफट इनके लिए, ठीक है। तो फटाफट आंसर देना है सभी लोगों को। बात करते हैं 31 का आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन आपका दे रखा है। पूछ रखा है कि 12, फिर दे रखा है 3, फिर 6 माइनस का है, ठीक है। तो पूछ रखा है जो आगे स्टेप आने वाला है वो हमारा कौन सा होने वाला है। तो बात करते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हुआ आपका -9, ठीक है, क्या हुआ -9। फिर बात करते हैं तो फिर यहाँ पर क्या हुआ है, फिर -9। अब यहाँ पर फिर करेंगे क्या, -9 करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15, और किसका आएगा माइनस, और जब माइनस को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के 15 आपके आने वाले हैं, ठीक है, माइनस के 15 आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 32, दो नल और एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे में 15 घंटे में भरते हैं, यदि दोनों नलों एक साथ खोल दिया जाए तो बताना है कि टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है, निकालेगा फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कोई नल है ए और एक नल है बी, पहला नल है 10 घंटे में भरता है, पहला नल जो है वो 10 घंटे में भरता है, दूसरा नल जो है बी वो भरता है 15 घंटे में। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो हमें टोटल जो हमारा एक प्रकार से टोटल काम होता है वो निकल के आ जाता है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम की बात करते हैं 15 × 30 मान सकते हैं ना इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 15 से 30 को काटेंगे तो 15 × 30, एक दिन में जो बी है वो 2 यूनिट काम करता है, और ए और 10 कितना हो जाएगा 30, और जो ए है वो कितना करता है 3 यूनिट काम करता है। तो टोटल पूरे दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे, ये करता है 3, ये करता है 2, ठीक है, दोनों को ऐड करूंगा तो 5। इसका मतलब जो दो जो ए और प्लस बी हैं वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं भाई, आपका 5 कार्य करते हैं, और टोटल काम हमारा कितना है 30, टोटल काम 30 है, एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, जब इसे काटूंगा तो 5 × 36, इसका मतलब 6 दिन में ये दोनों के दोनों क्या हैं, पूरा काम निपटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सॉरी 6 घंटे में, घंटों में दे रखा है ना, तो घंटे ही निकालेंगे, तो कितने 6 घंटे में ये पूरा के पूरा काम क्या करेंगे, निपटा देंगे। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, अभी बहुत ही अच्छा खेल गए हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है
वो हमारा कौन सा हो जाता है 33। ठीक है, निम्नलिखित पद को हल करना है आपको, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इसे कैसे करोगे ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ दे रखा है तुम्हारा 2.9 मल्टीप्लाई 7.05 मल्टीप्लाई रूट में दे रखा है तुम्हारा 256 और बटे में कितना है 4 का स्क्वायर हो जाता है। जब मैं इसे करूँगा तो इसके इसकी मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि हमें इजी करना है। तो 2.9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7.05 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका दे रखा है ये कितने का स्क्वायर हो जाता है बताना है। ठीक है, 256 जो होता है वो कितने का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर हो जाता है। मैंने बता रखा है 30 तक के स्क्वायर याद कर लेना, 20 तक के क्यू याद कर लेना। ठीक है, मैथ और रीजनिंग आप हलवा बना दोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी कर लो। ठीक है, जब इसको खोलेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 16 से 16 जाएगा कट, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा कितना 2.9 बच जाता है और बच जाता है मल्टीप्लाई 7.05। ठीक है, अब इसे सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो सॉल्व करके। ठीक है, अलग कर लेते हैं यहाँ पर 7.05 को जब मैं 29 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 × 5 45 के 5, ठीक है, हाँ से लगे 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा 9 × 63 64 65 9 × 63 ही आएगा। ठीक है, 63 आ जाएगा और 2 × 5 10 का 0, यहाँ पर 1 × 2 = 14, जब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो आएगा 5 फिर 5, ठीक है, 5 आएगा ना, 2 × 5 10 का 0, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, और 9 × 5 = 45 4, वो 5 आएगा 45 4 आएगा। ठीक है, 4 × 5 सॉरी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, रुकिएगा, यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल अभी रुकिएगा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा आपका 5, इससे इधर आएगा आ जाएगा आपका 4, इससे जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, इससे इधर कटेंगे 0 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, और कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 यहाँ पर संख्या है, 1 इधर है, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20.445। तो कहाँ दे रखा है ये देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 34 दे रखा है तुम्हारा, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक दे रखा है, पूछ रखा है यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आपको बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन रखा है एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है तुम्हारा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है, और बराबर फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल ईजी निकल के आ जाएगा। तो एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम दे रखा है तुम्हारा 1134 और मैं एच सी एफ की बात करता हूँ, एच सी एफ आपका दे रखा है 18, अगर बात करूँ फर्स्ट संख्या आपकी दे रखी है 162, तो निकालना है कि सेकंड संख्या आपकी कौन सी रहने वाली है। ठीक है, आराम से इजीली काट सकते हो, तो काट के देखिएगा फटाफट आंसर आपका आ जाएगा, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से काट सकते हैं। ठीक है, 2 से काट लीजिएगा यहाँ पर, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, इससे काटूंगा तो 2 × 18, 9 कितना आ जाएगा 81, 9 से इसे काटूंगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 से काट के देख लेते हैं, 9 × 9 = 9, 9 × 9 बचे 5, बचे कितने 5 हो गए आपके 53, 9 × 36 9 × 36 9 × 5 = 45, ठीक है, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 5 जाएंगे, ठीक है, 9 × 5 = 45, 5 × 3 = 8, टाली है 4, 9 से काटेंगे 9 × 81, तो पॉइंटों में जा रहा है, तो ये तो भाई पॉइंटों में जा रहा है, कटेगा कैसे, 9 × 9, ठीक है, गड़बड़ हो रहा है कुछ, 62, 2 × 18 और 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 9 × 81 ही आएगा, 9 ही आएगा, इसे काटेंगे, सॉरी गलती है, यहाँ पर 14 नहीं, यहाँ पर 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ठीक है, 134 दे रखा है, वही तो कह रहा हूँ गड़बड़ क्यों हो रहा है, 9 × 1 कितना आ जाएगा, 9 × 1 आ जाएगा 9, बचेगा 2, हो गए आपके 23, 9 × 2 कितना हो जाएगा, 9 × 2 पर हो जाएगा 18, 18 और यहाँ बचेगा आपका 5 बचेगा, ठीक है, इधर आ जाएगा 4 और 9 × 6 कितना आ जाएगा 54, तो इस प्रकार से आपका जो आ जाएगा सेकंड संख्या जो निकल के आ जाएगी वो आपके जाएगी 1226 निकल के आ जाती है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हो, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई थी, 1134 था, ठीक है, वहाँ पर 1434 लिख दिया गया था, तो इसलिए थोड़ा सा
प्रॉब्लम कर रहा था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भाई बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा रहने वाला है, 35। देखा है ए एक कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछ रखा है। कोई बंदा है ए और बी है, ये कर रहा है 15 दिनों में, ये कर रहा है 30 दिनों में, टोटल काम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकलेगा कितना, एलसीएम निकल आएगा 30। ए जो कार्य करता है एक दिन में कितना करता है, 15 दुनी 30 काटेंगे, इससे पता चल जाएगी एक दिन में ए होता है 2 यूनिट काम करता है और एक दिन में जो बी है वो 1 यूनिट काम करता है। कह रहा है दोनों मिलकर उसे कितने में समाप्त कर देंगे, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ए प्लस वी जो है वो कितना करेंगे 3 यूनिट काम कर देंगे और टोटल जो काम है 30 है और 3 यूनिट एक दिन में काम करते हैं, तो ये दोनों कितना करेंगे, कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो आप कहोगे 10 दिन में ये समाप्त कर देंगे। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हो, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा रहने वाला है, ठीक है बिल्कुल। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 36, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्न का शुद्धतम अंकीय मान चुनो, मतलब शुद्धतम अंकीय मान इसका निकालना है तो इसे कैसे निकालेंगे बताएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 2/3, ठीक है इस प्रकार से दे रखा है कि 2 को भाग देना है किससे, 3 से भाग देना है, तो हम कैसे करेंगे, तो 0 पॉइंट लगा के क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है 0 पॉइंट लगा के क्या करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाता है, मतलब ये कह रहा है कि 2 को भाग देना है किससे, 3 से भाग देना है, तो कैसे भाग देंगे, तो 0 पॉइंट लगा के क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 5 15, 3 6 आ जाएगा तुम्हारा 18 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा शेष, फिर ये पॉइंट तो लगा हुआ है ही तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो फिर 2 6 18 बढ़ जाएगा, इसी प्रकार से 18 2 शेष बचता रहेगा, ठीक है और हम शेष में मतलब क्या है 0 मानते रहेंगे, ठीक है तो हमारा इसी प्रकार से 6 6 6 6 6 6 6 6 ख़त्म ही नहीं होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बार बार रिपीट होता है उसी पे हम ये इस प्रकार से डंडा, ठीक है इसे क्या कहते हैं, बार कहते हैं, ठीक है इसे हम क्या कहते हैं, बार, मतलब बार बार आ रहा है तो इसे हम बार कहते हैं, ठीक है तो इसका आंसर जो हो जाएगा 0.6 पर बार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सेम दे रखा है कि 0.6 पर बार, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भाई बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 को देखिएगा, कह रहा है किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदने पर इतने रुपए में बेचा जाता है, तो पूछ रखा है कि लाभ परसेंट क्या होगा। एक बात बताइएगा कि जो क्रय मूल्य है, ठीक है जो क्रय मूल्य है मतलब उसने खरीदा है कितने रुपए में, 140 रुपए में उसने खरीदा है, और बेच कितने में दिया है, और जो विक्रय मूल्य है मतलब जो बेच दिया है उसने कितने बेचा है, 168 रुपए में बेचा है, बताइएगा लाभ कितना है। तो आप कहोगे 28 का लाभ है भाई, क्या है 28 का हो जाता है लाभ, और लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है, मतलब छोटी वस्तु पर होता है ना, छोटे मूल्य पर होता है हमेशा लाभ। तो लाभ कितने का है, 28 का, कितने पे हो जाता है क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य हमारे दे रखा है 140 पर, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 0 से 0 कट जाएगा, 14 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 28, और 2 दशमलव कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20% जो आपका होने वाला है ये आपका लाभ हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ चुका है अभी बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से दे रखा है, उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। एक बात बताइएगा, यहाँ पर पूछ रखा है घन का आयतन पूछ रखा है, ठीक है घन का आयतन पूछ रखा है, तो घन का आयतन होता क्या है, भुजा की क्यू होता है, क्या होता है, भुजा की क्यू होता है, घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा की क्यू। तो हम क्या करेंगे, एक बात बताइएगा, जब हमारी जो लंबाई है वो दे रखी है 1 मीटर में, और यहाँ पर भी मीटर में है, तो आपको पता है ये करणी होती है ना, करणी के अनुसार एक ही घात अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है ना, ये करणी में आपने देखा होगा, तो करणी के अनुसार ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाता है, हमारा राइट हो जाता है, ठीक है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, हमारा राइट हो जाता है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर देखा है, 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, अगर मैं इसकी क्यू करूँगा तो 100 × 100 × 100 हो जाएगा, इन सबको करूँगा तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात कितनी आ जाएगी, 6 हो जाएगी, तो इस प्रकार से ये आपका 10 की घात 6 सेंटीमीटर भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका सी भी सही होगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल द अबव हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑल द अबव आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ दे रखा है रूट 225 और बटे रूट 289, तो इसको सरल करना है। ये बताएगा भिन्न का आंसर यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ दे रखा है 225 पर भी रूट कर सकता हूँ अलग, दोनों पर मैंने क्या कर लिया अलग अलग रूट कर, लिख सकता हूँ ना इस प्रकार से भी इसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब इसे अगले सॉल्व करूँगा तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 225 होता है, और जो ये होता है ये हमारा 17 का स्क्वायर होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है 15/17। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, कितना हो जाएगा 15/15 225 और 17/17 289, ठीक है। मैंने बता रखा है कि भाई 20 तक का तो क्यों याद कर लेना और 30 तक के आपको स्क्वायर याद कर लेना है, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो एग्जाम में आप मैथ को और रीजनिंग से खेलना सीख जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ दे रखा है एक मीनार की छाया मीनार की लंबाई के बराबर हो तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण कितना होगा, ये आपको बताना है। एक बात बताइएगा, एक मीनार है, ये मैंने मान ली कि मीनार है बहुत ऊंची, ठीक है बहुत ही ऊंची मीनार है, ये ज़मीन मान ली मैंने, जहाँ देखा एक मीनार की छाया मीनार की ऊँचाई के बराबर है, जितनी ऊँचाई इसकी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक उसकी छाया की भी कितनी है h हो जाती है, ठीक है दोनों बराबर है, उसकी परछाई जो है वो भी बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो h है जो परछाई है वो कितनी है ये भी बराबर है, ठीक है ये तो नहीं है कह रहा है। तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण क्या होगा ये आपको बताना है, देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण क्या होगा। एक बात बताइएगा, परछाई भी बराबर हो गई और ये भी बराबर और ये भी बराबर, तो कोण भी क्या होगा भाई 90 अंश का होगा ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये समबाहु त्रिभुज आपका बनेगा, ये क्या बनेगा समबाहु त्रिभुज बनेगा, जब ये भी भुजा बराबर है ये भी भुजा बराबर है तो यह कोण और यह कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर रहने वाले हैं, ये दोनों कोण आपस में क्या है बराबर रहने वाले हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, इसे ए मान लो इसे बी मान लो इसे सी मान लो, ठीक है अगर तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। एक बात बताइएगा, अगर बीच वाले का कोण हो गया तुम्हारा ये वाला कोण जो है इसका हो गया 90, तो 90 जब घटाऊंगा तो बचेगा कितना 90 ही बचेगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आधे होंगे, तो इसका मतलब क्या रहने वाला है 45 + 45 क्या होता है 90 होता है, तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर का कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर भाई बी आ रहा है, ठीक है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में एक्स का मान ज्ञात करना है, आराम से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है बिल्कुल समीकरण को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। देखो मैंने कभी आपको बता रखा है जब कभी माइनस प्लस होता है तो हमेशा माइनस माइनस होता है ना, बता रखा है ना कि जब कभी माइनस प्लस होता है तो हमेशा माइनस माइनस होता है, और जब कभी प्लस प्लस होता है तो हमेशा प्लस प्लस ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें करना क्या है, पहली बात हम यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो होगा क्या माइनस माइनस ही होगा, ठीक है तो क्या होगा माइनस माइनस ही होगा, मगर यहाँ पर सब प्लस के हैं बिल्कुल सही है, ठीक है प्लस के हैं तो इससे हम कंफर्म कर नहीं सकते, ठीक है इससे हम कंफर्म कर नहीं सकते, तो करेंगे क्या इसको भी हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस कितना हो प्लस कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसे जब हम समीकरण को खोलेंगे तो समीकरण में क्या खोलेगा मतलब गुणा करके आना चाहिए 63 और घटकर जुड़कर आना चाहिए कितने 16, कैसे करेंगे ये बताना है, ठीक है। तो 13 × 39 नहीं होगा, ठीक है 63 दे रखे हैं, ठीक है 9 × 7 = 63 हो जाएगा, 9 × 7 = 63 हो जाएगा, और 9 और 7 = 16 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 × 63 हो जाएगा, सॉरी हाँ 7 × 63 हो जाएगा, ठीक है 7 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, और x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा बराबर 0। अगले जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 9x, माइनस से माइनस अंदर होगा, माइनस प्लस में जब होगा तो यहाँ पर क्या आने वाला है जब माइनस अंदर जाएगा प्लस से काटेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा माइनस बनेगा, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा आपका 63 हो जाएगा बराबर 0। अगले सॉल्व करेंगे यहाँ पर x मान लेंगे यहाँ पर कॉमन तो बचेगा क्या
एक्स माइनस सेवन बचेगा। अब यहाँ पर भी एक्स माइनस सेवन करना पड़ेगा तो माइनस हमें लेना पड़ेगा, है ना, माइनस लेना पड़ेगा कितने का, नौ का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस सेवन यहाँ पर भी आ जाएगा। तो एक तो हमारा आ जाता है एक्स माइनस सेवन और दूसरा जो आने वाला है वो एक्स माइनस नाइन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करूँ तो यहाँ से एक्स निकल के आएगा एक्स बराबर सेवन आ गया, ठीक है, एक्स बराबर सेवन आ गया और यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया, नाइन निकल के आ गया। तो आंसर क्या हो गया, सेवन और नाइन निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 42 का आंसर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। यहां देखा है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है, अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32 रन हो जाए। एक बात बताइएगा आप कि 14 पारी है टोटल, ठीक है, उनके पारियों का जो औसत है वो कितना दे रखा है 30, तो मल्टीप्लाई कर लूँगा, टोटल रन मुझे ज्ञात हो जाएंगे, टोटल रन निकल आएंगे और चौथिया कितना हो जाएगा 14 42 है ना, तो क्या हो जाएगा 420 आपके हो जाते हैं टोटल रन। उसने 14 पारियों में कितने रन बनाए, आप कहोगे 420 रन बनाए, कह रहे अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि औसत कितना हो जाए 32 हो जाए, मतलब अगली पारी कौन सी होगी, 15वीं पारी होगी, रन कितना हो जाए 32 हो जाए, तो कितने रन बनाए यह पूछ रखा है। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, हासिल लगा 3 और 15 या 45 46 47 48, तो कितना हो गया आपका 880 हो गया। पहले 14 पारी तक कितना था 420 था और 15 पारी की बात करें तो कितना हो गया 480 हो गया। इसका मतलब उसने 15वीं पारी में कितने रन बनाए यह निकालना है। अगर मैं 15 पारियों का जो 32 निकल के आया है वो कितना है 480 है, अगर मैं इसे, ठीक है, 14 पारी में से घटा दूंगा तो मुझे ज्ञात हो जाएगा कि 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे, है ना, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं जो 15वीं पारी में उसने रन बनाए, अगर मैं 14 को घटा दूंगा 15 में से तो बिल्कुल निकल आएगा 15वीं पारी में, तो कितना आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 60 रन हो जाएगा। कितना उसने रन कितने बनाए, उसने रन कितने बनाए 60 रन बनाए। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी सी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, अब इसे शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, अब इसे हम शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे। देखो सीधी बात, इतना मुझे पता है कि 14 पारी में उसने रनों का औसत है कितना 30 है, ठीक है, कितना है 30, और जो 15वां पारी है उसने बनाए हैं कितने 32। इसका मतलब कितने ज़्यादा बनाए, आप कहोगे दो ज़्यादा बनाए, कितनी पारी में ज़्यादा बनाए, टोटल 15 पारी में बनाए, ठीक है, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, तो ये हो गया, और 30 तो पहले का था तो 30 ये हो जाता है, टोटल कितना हो जाता है आपका 60 हो जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बहुत ही अच्छा आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 43 की ओर। ठीक है, यहाँ दे रखा है ए एक काम को 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम वर्क। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ दे रखा है ए, ए किसी काम को कितने में करता है 10 दिन में कर देता है, और ए और बी हैं ये साथ मिलकर करते हैं तो कितने दिन में, 6 दिन में उसे निपटा देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल इसका काम कितना होगा तो एलसीएम निकालते हैं, जो एलसीएम होता है वहाँ टोटल काम होता है, तो कितना हो जाएगा एलसीएम आपका हो जाता है 60। ठीक है, 6 × 5 = 30 भी मान लेते हैं, चलो 30 मान लेते हैं। ठीक है, एलसीएम मान लेते हैं हम कि एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो इसका ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, इससे भाग दे देंगे तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 वर्क करता है, और ए और बी जो दिन मिलकर करते हैं तो कितना करते हैं 6 × 5 = 30, मतलब 5 यूनिट करते हैं ए और बी मिलकर। तो पूछ रखा है बी अकेले, अगर मैं ए बी में से ए घटा दूंगा तो मुझे बी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, तो मुझे बी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अगर मैं ए बी में से ए घटा दूंगा तो मुझे बी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, तो बस मैं यहाँ पर इस में से इसको घटाऊंगा तो मुझे किसकी ज्ञात होगी, बी की वैल्यू ज्ञात होगी। तो मैं 5 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास बी की वैल्यू प्रत्येक दिन की कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट आ जाती है। टोटल काम कितना है 30 और बी करता है प्रत्येक दिन में 2, तो करेगा टोटल कितने दिन में, आप कहोगे 15 दिन में वह निपटा देगा। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भाई बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 को देखिएगा। निम्नलिखित संक्रियाओं को सरल करना है, निम्नलिखित संक्रियाओं को सरल कीजिएगा, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ दे रखा है 10^6, फिर दे रखा है 10^3, फिर दे रखा है 10^-6, फिर दे रखा है 10^-3, फिर दे रखा है 10^0, फिर दे रखा है मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बताइएगा।
अब बताइएगा इसे सॉल्व कैसे करेंगे। एक बात बताइएगा, अगर हम एक में ज़ीरो की मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो ही आता है, अगर मैं 15 में भी ज़ीरो की मल्टीप्लाई करूंगा तब भी ज़ीरो आएगा, अगर मैं 60 में भी ज़ीरो की मल्टीप्लाई करूंगा तब भी ज़ीरो ही आएगा। अगर कहीं भी एक जगह ज़ीरो है तो इसका मतलब उसका मान भी क्या है, ज़ीरो ही है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, भाई बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 45 दे रखा है, एक आदमी ने एक बैंक में 12% वार्षिक की दर से इतने रुपए उधार लिए तो बताओ एक साल बाद उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या पूछ रखा है, मतलब मिश्र धन पूछ रखा है आपसे, ठीक है। साधारण ब्याज की एक प्रकार से उसने उठा रखा है, कहीं चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रखी, इसका मतलब साधारण ब्याज होगा, ठीक है। तो बात करते हैं उसका जो अमाउंट था, ठीक है, जो अमाउंट था वो कितना हो जाता है, 20,000 रुपये हो जाता है उसका अमाउंट। वो कह रहा है कि मैंने भाई 12% पे मैंने क्या कर दिया, उधार दे दिया, कितनी साल को दिया पहले ये देख लो, ठीक है। कह रहा है एक साल के बाद, एक साल के बाद देता है, इसका मतलब 12% उसने क्या किया, ब्याज ले रहा है किस पर, ठीक है, 20,000 पर। अगर मैं परसेंटेज की निकाल लूँगा कि उसका ब्याज कितना दिया होगा तो आप कहोगे 12 × 24, ठीक है, 2400 हो जाता है ब्याज, और 20,000 जो हो जाता है वो आपका हो जाता है अमाउंट। पूछ रखा है टोटल एक साल के बाद धन कितना देगा, तो ये आपका हो जाएगा 24,000। कितना हो जाएगा, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, रुकिएगा, जब जोड़ेंगे इसे तो कितना हो जाएगा, 22,400 ये आपका हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 22,400 आपका हो जाता है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। तो जिन लोगों का आप ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आंसर में, तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर खेल गए हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, भाग हमारा हो जाता है 4, जिसके अनुसार आपको रीजनिंग के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सामान्य बुद्धिमत्ता 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको भी फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। और अपना स्कोर भाई लास्ट में 100% बताना है कि मेरा स्कोर आज इतना रहा है, ठीक है। बात करते हैं 46, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या होगा, आपसे पूछ रखा है, तो ये किसका हो जाता है, ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, ठीक है, ये किसका है, श्रृंखला का क्वेश्चन है, फटाफट करना है रीजनिंग का, ठीक है। बात करते हैं, 2 दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है, 14 दे रखा है, फिर दे रखा है तुम्हारा 30, अगले बताना है कौन सा आने वाला है, ठीक है। तो बताएगा यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो रही है, देखो ध्यान से, वैसे नंबर तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई हो रही है देखो, ठीक है। बात करता हूं कि 6 × 12 = 14, नहीं मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही है ना, एडिशन हो रहा है, 6 × 2 = 8, तब भी नहीं हो रहा है, तो क्या करें, 2 × 4 2 × 4 + 2, 6 × 12 + 2, 14 × 28, ठीक है, ठीक है, ये हो रहा है, देखो 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस 2 ऐड कर रहा है, ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है 6 की, फिर 2 ऐड कर रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है 14 की, फिर 2 क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, इसी प्रकार से आगे करेगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो 30 × 2 कितना हो जाएगा, 60, और 60 में 2 ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा, 62। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वे बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 47 दे रखा है, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की सुई की दिशा में विपरीत इतने डिग्री मुड़ता है, और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में इतने डिग्री मुड़ता है, तो बताना है कि अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। दे रखा है, मैं आपको पता है दिशा, सो हर बार बताता हूँ, ये होता है आपका पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये होता है आपका दक्षिण, ठीक है। तो इसके ही डायरेक्शन में क्या है, हमें चलाना है। दे रखा है तुम्हारा, एक आदमी दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ है, यहाँ पर, दक्षिण की ओर मुख करके क्या है, खड़ा हुआ है। कह रहा है वह अपनी घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई दिशा कैसे है, इधर, तो हम मान लेते हैं कि इधर क्या होता है हमारा, राइट, घड़ी की सुई दिशा को हम मान लेते हैं राइट, ठीक है, राइट को आर ले देते हैं, ठीक है, कितना मुड़ता है, 135 डिग्री मुड़ता है। उसके बाद में कुछ डिग्री चलने के बाद वो कह रहा है कि 180 डिग्री मुड़ता है, मतलब कहाँ, उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में, दिशा के अनुरूप, अनुरूप मतलब क्या होता है, विपरीत, ठीक है, अनुरूप मतलब विपरीत, तो लेफ्ट में कितना मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है 180, तो बचा कितना,
ठीक है, तो कह रहा है मुड़ता है, अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा किस में है? लेफ्ट में। सबसे ज़्यादा किस में है? लेफ्ट में मुड़ता है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। राइट दिशा में नहीं मुड़ता है, मतलब घड़ी की दिशा में नहीं मुड़ता है। तो 180 में से अगर मैं 180 में से 135 घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना? तो आप कहोगे 45 बच जाएगा, है ना, 45 डिग्री बच जाएगा। किधर घूमेगा? ज़्यादा किसके हैं? आप कहोगे लेफ्ट के, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा। कितना? 45। अगर कोई बंदा यहाँ जा रहा है, अगर इसे 45 मुड़ाएंगे तो कहाँ मुड़ेगा? इसी साइड में तो मुड़ेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, इधर साइड में, है ना। तो कहाँ पहुँचेगा? ये आपका हो जाता है दक्षिण और ये हो जाता है आपका पश्चिम। तो किस दिशा में हो जाएगा? ये आपका पश्चिम दक्षिण में हो जाएगा। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ये कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम में। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कोड एंड डिकोडिंग का देखा है। कह रहा है यदि किसी कोड में इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखेंगे, आपको बताना है। दे रखा है DAUZHTE, ठीक है, और बाकी दे रखा है तुम्हारा R। आगे देखा है इसी को बना क्या रहा है, देखो TER DAUZH। कहाँ से कहाँ पहुँचाया, देखिए H कहाँ पहुँचा दिया उसने, यहाँ पहुँचा दिया। R कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया। D कहाँ पहुँचाया, यहाँ पर। T कहाँ पहुँचाया है उसने, यहाँ पर पहुँचाया है। E यहाँ पर पहुँचा दिया, ठीक है। उसके बाद जी है, जी पहुंचाया यहाँ पर। यू यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। तो इसी प्रकार से हमें इसे भी मैच करना है। तो ए हो जाएगा, पी हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आई है, फिर टी है, फिर यू है, फिर डी है, और क्या है, फिर यू दे रखा है। अगर मैं इसे करता हूँ, ठीक है, इसे क्या बनेगा ये देखो। तो इसी प्रकार से हमें बनाना है। तो पहला कहाँ जाएगा, फोर पे जाएगा। तो फोर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पहला फोर पे जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब थर्ड वाला जो होगा, थर्ड वाला फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो यू कहाँ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। यू कहाँ जाएगा, आपके टॉप पे आ जाएगा। उसके बाद करें फिर आ जाएगा आपका, यू हो जाता है टॉप पे। उसके बाद आएगा आपका ये वाला, ठीक है, ये क्या है, डी। यहाँ पर आपका डी आएगा। फिर लास्ट वाला कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ई। इसका मतलब यू डी ई, यू डी ई आपके हो जाएंगे। यहाँ पर नहीं है, यू डी ई इसमें है और बाकी किसी में यू डी ई नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। आंसर में क्या है, ज़्यादा हमें मैच नहीं करना है, मगर इसको हमें पूरा ही मैच करना है। क्या पता बीच में कंडीशन किस प्रकार से है फॉलो करता हो, ठीक है। तो हमें क्या है, इसको पूरा करना है, मगर इसको हमें पूरा नहीं करना है, इसको बस इसके सहारे ही मिलाना है, ठीक है। ऑप्शन में देख के डायरेक्ट आंसर दे देना है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, भाई बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये भी हमारा किसका हो जाता है, ये भी हमारा हो जाता है निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है। अगला पद कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 5 दे रखा है, फिर आपका 25 दे रखा है, फिर 1,725 दे रखा है, फिर आपका 625 दे रखा है, फिर आपका 3,125 दे रखा है। आगे पूछ रखा है आगे हमारा सीरीज कौन सी आएगी, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, इतना पता है मुझे, बहुत ही कम समय, बहुत ही छोटी अंक, बहुत ही छोटा अंक और बहुत ही ज़्यादा अंकों में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इतना कंफर्म तो हो गया कि भी हो के रही है, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रही है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो कैसे रही, ये देखो, 25 मल्टीप्लाई 5 की हुई, 25 पंजे क्या हो जाएगा, 1,725, फिर 5 की मल्टीप्लाई, फिर 125 पंजे कितना, 625। इसका मतलब हो क्या रहा है कि मल्टीप्लाई 5 की यहाँ पर चल रही है। तो अगले भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5 की कर देंगे। तो 25 का 5 आ जाएगा, हाँ से लगेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा, हाँ से लगेगा 1, 5 एक 5 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, हाँ से कुछ नहीं लगेगा, 5 नहीं है कितना हो जाएगा, 15। तो आंसर रहने वाला है 15,625। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 15,625, तो भाई बहुत ही अच्छा यहाँ पर खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन देखा है। किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है और इतने को इतना लिखा जाता है, तो बताइएगा इतने को इसको उस भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो बहुत ही आराम से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये, कॉपीराइट का क्वेश्चन, ठीक है, कॉपीराइट का क्वेश्चन दे रखा है, कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, कभी इस प्रकार से तीन बार में दे रखा हो, कभी भी तीन बार में दे रखा हो, दो बार दे रखा हो, तीसरा पूछता हो, तो मतलब 100% ये हो सकता है, 99% की बात कर रहा हूँ, 99% ये हो सकता है कि वो कॉपी राइटिंग कर रहा है, ठीक है। तो कॉपी राइटिंग क्या कर रहा है, देखो ए को किस में चेंज कर रहा है, ए की बात करते हैं, ए को चेंज कर रहा है वो किस में, ओ में। तो ए को ओ में चेंज कर देंगे। डबल एस को किस में कर रहा है, तो एस को कर रहा है वो चौथा है ना, नहीं, एस को किस में कर रहा है, एस को कर रहा है वो एक्स में, तो डबल एक्स हो जाएगा, मतलब ओ डबल एक्स हो जाएगा, ओ डबल एक्स, यहाँ पर भी ओ डबल एक्स है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको काट देते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे क्या कॉपरेटिंग हो जाएगा, ई को देख लेते हैं, लास्ट वाली को, ई को कॉपरेटिंग किस में कर रहा है, वो पी में कर रहा है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, पी, पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर भी है, ठीक है।
उसके बाद करते हैं, उसके बाद किस में चेंज कर रहा है, आर को, आर को किस में चेंज कर रहा है, आर को देखेंगे तो आर को बाई में चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई, मगर यहाँ पर बी है तो ये भी कट जाएगा, तो आंसर कौन सा बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, भी बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। तो बात करते हैं लास्ट में एक महत्वपूर्ण सूचना भाई आपकी, ठीक है, अगर किसी को राम सिंह यादव बुक की जीडी की जो बुक होती है, ठीक है, उसका अगर प्रैक्टिस सेट खरीदना है 50, ठीक है, तो राम सिंह यादव वाली बुक आती है 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक, ठीक है, अगर उसको किसी को खरीदना है तो ओनली 25 रुपये में खरीद सकते हैं, ठीक है, ओनली 25 रुपये, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक। अगर किसी को बुक खरीदना है राम सिंह यादव की, ठीक है, अगर किसी को राम सिंह यादव की बुक खरीदना है तो वो भी आपके लिए ओनली क्या है, 25 रुपये में दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आराम से वहाँ से खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। दोनों की दोनों बुकें का कॉम्बो आपको ओनली 50 रुपए में दिया जा रहा है, ठीक है, वैसे आप बुक स्टोर से खरीदोगे तो कम से कम 250 रुपए पे करना पड़ेंगे, मगर यहां पर ओनली आपको सिर्फ 50 रुपए में दोनों की दोनों बुकों का कॉम्बो दिया जा रहा है। चाहे आप खरीद सकते हो प्रैक्टिस सेट तो ओनली 25 रुपए पे करना पड़ेंगे, अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो भी आपके लिए ओनली 25 रुपए पे करना पड़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।